उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सरायकेल थाने के आसिमपुर किनार गांव में नलकूप में सो रहे बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने बुजुर्ग दंपति की हत्या के बाद आला कतर गंडासा मौके पर ही छोड़ फरार हो गए। घटना की जानकारी दोपहर लगभग 12 बजे उस समय हुई जब मृतक का बेटा मौके पर पहुंचा। बुजुर्ग दंपति की हत्या की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। सरायकेल थाने के अलावा कई थानों की पुलिस फोर्स हाशिमपुर गांव पहुंच गई और पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और जल्द घटना के खुलासे के लिए दो टीमों का गठन कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। क्राइम स्टोरी के लिए कौशाम्बी से शिव शंकर मोदनवाल की रिपोर्ट। दावत में चले गए थे, हम यहाँ नहीं रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है सर। हमारे माता पिता कहाँ रहते थे सर? ट्यूबवेल पे रहते हैं, हमारे साथ रहते थे, हमारे बच्चन के साथ रहते हैं सर, हमको कुछ नहीं पता होगा। इसपुर किनार गांव है ये थाना सरायकेल में, यहाँ दो बुजुर्ग पति पत्नी अपने ट्यूबवेल पे रहते थे। इनकी हत्या की गई है बीती रात में, इनके शव यहीं ट्यूबवेल के बाहर खाट पे मिले हैं। फील्ड यूनिट बुला ली गई है, मौके पे फोर्स है और जल्दी ही इसमें जांच करके मामले का खुलासा किया जाएगा। जो भी दोषी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।